इंडियन टीम ने दर्ज कर ली है एक बेहतरीन जीत ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फर्स्ट टेस्ट में जो खेला गया था नागपुर में, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 177 रन, जिसमें लबुशेन मानस लबुशेन ने किए 49, जो थे टॉप स्कोरर। रविंद्र जाडेजा ने उसमें 5 विकेट लिए और अश्विन ने लिए 3। शामी और सिराज को मिले 1-1 सफलता। जाडेजा के विकेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने आउट किया लबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैट रैंशो, पीटर हैंडस्कॉम और टॉड मर्फी को। टॉड मर्फी जो खुद एक डेब्यू कर रहे थे, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में, डेब्यू इनिंग्स में 7 इंडियन विकेट्स लिए, 7 स्कैल्प्स लिए। उनके विकेट्स में इंक्लूडेड थे केएल राहुल, आर अश्विन जो फर्स्ट डे पे नाइट वॉचमैन बन के आए थे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, श्रीकर भरत और मोहम्मद शामी। इंडिया की अगर इनिंग्स की बात करें तो इंडिया ने पोस्ट किए 400 रन। कैप्टन रोहित शर्मा ने 120 की एक बहुत अमेजिंग पारी खेली, 120 रन उन्होंने बनाए 212 बॉलों में, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अश्विन जो नाइट वॉचमैन आए थे, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया था रोहित शर्मा का पहली इनिंग्स में, उन्होंने किए थे 23 रन 62 बॉलों में, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी लगाया था। लेकिन रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप लगाया। रविंद्र जडेजा ने जो अपना कमबैक कर रहे थे, उन्होंने किए 70 रन 185 बॉलों में 9 चौकों की मदद से। वो तीसरे दिन के मॉर्निंग सेशन में आकर आउट हो गए थे, लेकिन अक्षर पटेल अपनी अच्छी लय में दिख रहे थे और उन्होंने वही कंटिन्यू करी थर्ड डे के मॉर्निंग सेशन में और बनाए 84 रन। 84 रन्स अक्षर पटेल स्कोर्ड इन 174 डिलीवरीज, जिसमें उन्होंने मारे 10 चौके और 1 छक्का। बात करते हैं टेल की तो मोहम्मद शामी भी पीछे नहीं थे। मोहम्मद शामी ने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ छक्के भी लगाए। उन्होंने बनाए 37 रन 47 बॉलों में, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उसके बाद इंडिया ने एक बेहतरीन लीड लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग्स में भी 91 रन 91 पे ऑल आउट कर दिया। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर एक बार फिर कुछ खासा नहीं कर पाए और इस बार अश्विन थे जिन्होंने एक पंजा खोला, 5 विकेट हॉल उन्होंने अपने नाम किया। मोहम्मद शामी ने 2 विकेट लिए, रविंद्र जाडेजा ने 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला। हाईएस्ट स्कोरर, टॉप स्कोरर इस इनिंग्स में थे स्टीव स्मिथ, जिन्होंने बनाए 25 रन और रहे नाबाद 51 बॉलों में, 2 चौके इन्होंने लगाए और 1 छक्का भी मारा। अश्विन की अगर विकेटों की बात करें तो इनमें थे उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मैट रैंशो, पीटर हैंडस्कॉम, एलेक्स कैरी। अगर जडेजा के विकेट्स की बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाला मार्नस लबुशेन का और उसके बाद आउट किया पैट कमिंस को। 32.3 ओवर्स लगे इंडियन बॉलर्स को सेकेंड इनिंग्स रैप करने के लिए और इस टेस्ट को अपने नाम करने के लिए। इंडिया ने जीत दर्ज की 1 इनिंग्स और 132 रन्स के मार्जिन से और ले ली है 4 मैच में 1-0 की लीड।